इजरायली पीएम नेतन्याहू की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां गाजा युद्ध में इजरायली सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा, वहीं उत्तरी इजरायल में हिजबुल्ला लड़ाकों का कहर जारी है। ईरान से भी संभावित हमले का खतरा मंडरा रहा है, जबकि इजरायली जनता के सब्र का बांध भी टूटता दिख रहा है। इन सब चुनौतियों के बीच पहले से घिरे नेतन्याहू पर एक और संकट टूट पड़ा है। इजरायल के विपक्षी दल के नेता यायर लैपिड ने नेतन्याहू पर बड़ा आरोप लगाया है। यायर लैपिड ने बीते साल 7 अक्टूबर को हुए हमास के ताबड़तोड़ हमले का जिक्र कर इजरायलियों के जख्मों को हरा कर दिया है। इसके बाद से इजरायली पीएम पर आफत आन पड़ी है। दावा है कि ये पहली बार है जब उन्होंने इस मुद्दे पर सार्वजनिक तौर पर बयान दिया है। ऐसे में एक बार फिर हमास हमलों के अलर्ट पर नेतन्याहू सरकार घिरती नजर आ रही है। दरअसल इजरायल की विपक्षी पार्टी यश एटिट के अध्यक्ष ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए नेतन्याहू पर जमकर निशाना साधा। यायर लैपिड ने कहा कि सरकार को हमास के इरादों के बारे में अलर्ट किया गया था, ये साफ था कि वे क्या चाहते थे। यहाँ मैं उस बयान को गलत ठहराता हूँ जो नेतन्याहू सरकार की ओर से बार बार दिया जाता है कि किसी को भी इस बात की जानकारी नहीं थी कि हमास को रोका नहीं गया है। वास्तव में चेतावनी दी गई थी, मुझे अलर्ट किया गया था और जो खुफिया सामग्री मैंने देखी वो जरूर प्रधानमंत्री और कैबिनेट के मंत्रियों ने भी देखी थी। नेतन्याहू सरकार के विरोधी लैपिड ने कहा कि वो ये बात सोचकर नहीं कह रहे हैं, मैं अकेला नहीं था। आपदा से पहले के महीनों में प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों को आतंकी संगठनों के भीतर से ज्यादा सबूत मिले कि वे मौके का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने बीते साल 21 अगस्त 2023 का हवाला देते हुए बताया कि मैं प्रधानमंत्री के साथ एक सुरक्षा ब्रीफिंग का हिस्सा था, जब सैन्य सलाहकार मेजर जनरल एवी गिल ने सभी प्रॉक्सी गुटों के संभावित हमले की चेतावनी दी थी, जिसमें बताया गया था कि ईरान और लेबनान, वेस्ट बैंक और गाजा में चरमपंथी समूहों ने एक उभरते संकट के साथ साथ कमजोरी, आंतरिक विभाजन, तनाव और सेना में तैयारियों की कमी की पहचान की है। इस पर नेतन्याहू काफी उदासीन लग रहे थे, उन्होंने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। अपने दावे की पुष्टि करते हुए लैपिड ने बताया कि IDF चीफ ऑफ स्टाफ ने न्यायिक बदलाव को लेकर इसराइल में विभाजन के राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ने वाले असर के बारे में नेतन्याहू से मिलने की मांग की थी, लेकिन उन्हें मना कर दिया गया। हालांकि हलेवी ने इसराइल पर संभावित खतरे के बारे में नेतन्याहू को पत्र लिखा। हलेवी इसे रिकॉर्ड पर रखना चाहते थे कि उन्होंने चेतावनी दी थी, मगर इसराइली पीएम की ओर से इसे नजरअंदाज कर दिया गया था। लैपिड ने खुलासा किया कि बतौर पूर्व पीएम और विपक्ष के प्रमुख नेता के रूप में उनके पास उन्हीं खुफिया सामग्रियों तक पहुंच थी जो खुफिया और गुप्त सेवाओं पर उपसमिति के सदस्यों को प्राप्त हुई थी, जिसे देख साफ होता है कि इसराइल पर एक बहुत बड़ा जोखिम का अलर्ट था। इसके बाद 18 सितंबर 2023 को खुफिया रिपोर्टों में और इजाफा देखा गया था। वहीं इस पूरे विवाद पर इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय का भी बयान सामने आया है, जिन्होंने विपक्षी नेता यायर पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। इजरायली पीएमओ ने कहा कि यायर लैपिड फिर से झूठ बोल रहा है। पीएम नेतन्याहू को गाजा में युद्ध के बारे में कोई चेतावनी नहीं मिली थी, ना ही एक महीने पहले और ना ही 7 अक्टूबर से एक घंटे पहले। प्रोटोकॉल इसे साबित करते हैं।